उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अल सुबह दोहरे हत्याकांड से शहर थर्रा गया। शहर बनारस के लोहता थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक दंपत्ति निसार और खुशबू, जिसकी उम्र क्रमशः 35 और 30 बताई जा रही है, घायल अवस्था में परिजन ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली और अपने मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए। घटना का मूल संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लोहता थाना क्षेत्र के रहीमपुर ग्राम के निवासी स्वर्गीय महमूद अली के पुत्र 5 हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा नियाज एक हत्या के प्रकरण में भदोही जेल में बंद था। घर पर 3 बेटे निजाम, निसार, नसीर रहते थे, जबकि 5वां बेटा वारिस सऊदी अरब में नौकरी करता था। वाराणसी में रह रहे परिवार की आजीविका का साधन बुनकारी है। वहीं परिजनों के बताए अनुसार मृतक निसार का अपने भाई निजाम उर्फ मुन्ना से संपत्ति को लेकर विगत कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होता रहता था। परिजनों ने बताया कि आज सुबह मृतक निसार और हत्यारोपी उसके भाई निजाम के बीच बच्चे को खाना खिलाने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसमें देवरानी जेठानी शुरू से इस विवाद में दोनों भाई भी जूझ पड़े। इस दरमियान निजाम उर्फ मुन्ना ने चिमटा का हाथ प्रॉस पावर लूम की, जो एक मशीन का हिस्सा बताया जाता है, से अपने भाई निसार पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा है कि निजाम उर्फ मुन्ना के सर पर खून सवार था। उसने बीच बचाव करने आई निसार की पत्नी खुशबू पर उसी लोहे के औजार से हमला कर दिया। दोनों दंपत्ति लहूलुहान होकर वहीं आंगन में गिर पड़े, जिसके बाद हत्यारोपी निजाम उर्फ मुन्ना अपनी पत्नी सहित मौके से फरार हो गया। परिवार के अन्य सदस्य दोनों दंपत्ति को लेकर ट्रामा सेंटर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आप देख रहे हैं वाराणसी ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मदीना बेगम, क्या लगती है लोगों की आप? जो मरा नहीं उनका रम मत आ रही है ना। क्या हुआ था विवाद, कुछ आपको जानकारी है? अबे तो रात के बोल ले रहे ना, तो हमसे कोई बात नहीं है। जो उनकर मम्मी बता ले रही नहीं, हम तो यहाँ रहे नहीं, हम तो अपने घर रह ली। हम तो बम्बई से फोन खबर आला तो हम भागल चली आए। हमार भाई हाँ कुछ ना, खाली खाना किया। कुछ एक्शन दीजिए आप। क्या नाम हो आपका माता जी? हमारा नाम जुलेखा है। हमार लड़किया हैं, हमार बेटवा हैं, पतो हैं। कुछ भवा नहीं रहा भैया, मार झगड़ा कुछ नहीं भला, खाली खाना खिया देना। बड़कू जाने का मेहर खुद चिल्लात रही है, जन छुटका है जने के मारे न, वो गल कलका करे छिल्ला जाता हूँ। तो हाँ लड़किया हन हमार नहीं है, हम खिजा दिए तो कहो ना ऐसा बड़ा बुरा कह दिया। यही पर वो हथौड़ा लेके गए न, मार के मुँह दी है लोहा के हथौड़ा से मारे न मेरे भैया की। दोनों लोगों का हथौड़े से ही मारे? हाँ देखे हम देखे है, देखे नहीं हम जाना था। वो नहीं गई न, कोई रहबा नहीं किया है। उनकर बिटिया उनकर मेहर हाथ हमारे भैया को पकड़ ली, हमार भैया बेबस हो गल ना, हमारे भैया के ना मार पौतन। जौन मारे सब बेटा हुआ, उनका नाम निजाम हुआ, मुन्ना मुन्ना सब करला। अमेहरी का नाम हुआ सजादी, बिटिया का नाम उनके है रोजी, और दोनों माई बिटिया पकड़ ली है ना उन्होंने मारे, वो मारे से। देखिए जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि ये एक ही परिवार के में घटना हुई है, जो एक निसार नाम के व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी खुशबू, उनके ही जो बड़े निसार के जो बड़े भाई हैं और उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने आज इनका पारिवारिक अपना झगड़ा रहता था और आज सुबह बच्ची को जो तीसरे भाई की बच्ची है उसको खाना देने के ऊपर कोई विवाद हुआ, जिसमें ये जो निसार और जो उनकी पत्नी खुशबू ऊपर उनको समझाने के लिए गए कि अभी गाली गलौज मत करिए। वहीं जो है वो निजामुद्दीन तथा उनकी पत्नी ने जो है इनके ऊपर प्रहार कर दिया, कि जो संभवतः जो हथौड़े से इनके ऊपर व्यवहार किया है वो भी ऊपर मिल गया है आला कतल जो है। इनका जो तीसरा भाई था वो इनको जब गंभीर हालत में जो है सवेरे फिर अस्पताल लेके गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। मौके पे जो है वो जहां घटना हुई है वहां दोनों भाइयों, इनकी माता थी निसार की निजामुद्दीन की, उनके द्वारा बताई गई हैं चीज़ें, छोटी बच्ची थी
तो ये जो जिस पर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि भाई नहीं जो है जो उनकी माता बता रही है भाई और उसकी पत्नी ने मिल गई अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। खैर अभी हुई नहीं, देखिए अभी ये तो अभी हम लोग इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं पूरा सारी चीज़ें, क्योंकि पुलिस को बहुत सूचना लेट इन लोगों ने दी थी क्योंकि वो पहले घायल अवस्था में उनको लेके अस्पताल लेके पहुँचे, पुलिस को जब जानकारी पुलिस आ गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना सर कितने बजे की थी? अब ये जो बता रहे हैं लगभग 9 बजे के आसपास इनकी जो मदर हैं वो बता रही हैं, जो बुज़ुर्ग हैं लगभग 8:30-9 के बीच के करीब की बता रही हैं और अभी इसमें कार्रवाई जारी है। ठीक है सर। अभी देखिए उस एक जो एक हथौड़ी बरामद हुई है जिसपे खून लगा हुआ है वो फॉरेंसिक टीम उसकी मिलान करेगी किसका ब्लड है उसके बाद ही, लेकिन संभवतः प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि जो हत्या में जो घायल करने में जो हथियार प्रयुक्त किया गया वही है।